Hi guys, welcome to my channel. My name is Tanvi and I create content related to fashion, beauty and lifestyle. And in this video, I will be sharing with you some homemade good scrubs for dry skin. We all know market mein bahut scrubs mil jate hain and they are good as well. But agar hum ghar pe hi wo cheez kar sakte hain, toh why not? So if you guys want to know about some good homemade scrubs, then do continue watching. Hit the like button, subscribe to my channel. It will mean a lot to me. The first scrub is coffee ground scrub. Yes, you heard me right. कॉफी तो हम लोगों को पता ही है वर्क्स एक्सीलेंट एज एन एक्सफोलिएटिंग एजेंट. इतने मैकेफीन के डब्बे खरीदते हैं, इवन आई बाय दोस लाइक मैकेफीन का स्क्रब इज माय लाइक राइड और डाई प्रोडक्ट. आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट. बट उसका काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव भी मैंने ढूंढ लिया है. दिस वर्क सो ब्यूटिफुली. वॉट यू हैव टू डू, आपको कॉफी बीन्स जो है ना उसको ग्राइंड करना है. लाइक यू डोंट हैव टू यूज द कॉफी पाउडर क्योंकि उससे उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. यू हैव टू ग्राइंड इट. उसके जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है ना वो एक्सफोलिएटिंग एजेंट के हिसाब से बहुत अच्छे काम करते हैं. देन वॉट यू हैव टू डू, टेक द कॉफी ग्राउंड एंड मिक्स इट वेल विद द लाइक योर कोकोनट ऑयल और एनी ऑयल दैट यू प्रेफर. आप इसको पानी के साथ भी कर सकते हो बट इट कैन बिकम लिटिल बिट ड्राइंग. तो आई विल सजेस्ट, हाईली सजेस्ट कि आप उसके अंदर कोकोनट ऑयल यूज कर लो. मिक्स इट टुगेदर, मेक अ फाइन पेस्ट एंड स्क्रब एंड यूज इट ऑल ओवर योर फेस. ट्रस्ट मी, एक बार में आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा एंड इट वर्क्स. उसका ना लाइक उसको यूज करने का ही ना लाइक आई एम नॉट एबल टू पुट इन वर्ड, उसको यूज करने का ना फन ही अलग है. लाइक कॉफी की वो अच्छी अच्छी खुशबू आएगी एंड वॉट बेस्ट यू नो कि ये मैंने घर पे अपने हाथ से बनाया है. My second scrub is using a mixture of cleansing cream and sugar. So yes, hear me out. आप sugar का थोड़ा सा crush करके उसको hard hard particles भी use कर सकते हो, as it is भी use कर सकते हो. What you have to do, you have to like wash your face properly and एक soft towel से थोड़ा सा अपना face already scrub कर लो. Then what you do, take a tub, एक tablespoon आप cream ले लो, एक tablespoon आप वो sugar का जो भी आपने किया है direct sugar ले लो, उसको grind करके कर रहे हो. Howsoever you want, you can use it and then apply it on your face and start scrubbing using a circular motion. आपको ऐसे ऐसे circular motion आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे apply करो and like massages for 3-4 minutes, I think that should be sufficient. Remove, आपको face wash मत करना. Remove the like whatever scrub is there with a cloth and like आपका skin इतना soft, इतना beautiful लगेगा ना. Because sugar is another scrubbing agent that works wonderfully for our skin. So my third scrub is green tea, sugar and honey. Yes, hear me out, because we know green tea के अंदर ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं एंड इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एज वेल, जो आपके रिंकल्स को आपकी फाइन लाइंस को रिमूव करता है. अगेन शुगर वर्क्स एज अ गुड स्क्रबिंग एजेंट. हनी प्रोवाइड्स द गुड मिक्सचर दैट लाइक मॉइस्चर दैट योर स्किन नीड्स. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक 1 टेबल स्पून ऑफ ग्रीन टी व्हाट यू हैव मेड, लाइक कूल इट डाउन लिटिल बिट. उसके अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड करो एंड देन ऐड लिटिल बिट ऑफ हनी एंड मेक अ लिटिल बिट ऑफ थिक पेस्ट. बिकॉज आपको ग्रीन टी उतना ज्यादा ऐड नहीं करना है बिकॉज उससे शुगर से ना वो थोड़ा सा थिकनेस रहेगा, अदरवाइज ग्रीन टी से बहुत लिक्विडी पेस्ट बन जाएगा. वी डोंट वॉन्ट लिक्विडी पेस्ट, थोड़ा सा मीडियोकर थिक कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपका स्क्रब. अप्लाई इट ऑन द लाइक एरियाज दैट यू फील आर अफेक्टेड, जहां आपको थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस. उसको अच्छे से वॉश कर लेना बिकॉज हनी के कारण थोड़ा सा चिपचिप टाइप का आपको लगेगा. The fourth scrub I'm talking about is coconut oil and lemon scrub. Yes, you heard me right. इसके अंदर कुछ particles type वगैरह थोड़ा सा वो scrubby type का वो नहीं रहेगा. But what coconut, तो we all know it's an old age tonic for our skin. कुछ भी आपको दिक्कत हो ना coconut oil use करो, it will cure the problem. Seriously, end of the discussion. Coconut oil is that best. I love using coconut oil and lemon has this beautiful exfoliating properties जो आपके स्किन को बहुत अच्छे से स्क्रब कर देगा. सो यू कैन डू 2 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल एंड 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन एंड मिक्स इट टूगेदर.
थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी का होगा, बट टेक इट एंड मसाज थरली ऑन योर फेस, जो भी आपके स्पॉट्स हैं, जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, लाइक जो भी आपको थोड़ा सा निशान दिख रहे हैं आपके फेस पे, दे विल गो अवे. यूज इट फॉर सम टाइम एंड ट्रस्ट मी, यू गाइज विल बी एबल टू सी द डिफरेंस. लेमन वर्क्स ब्यूटिफुली, बट हाँ ये ध्यान रखना कि आप स्कार्स पे, कट्स वगैरह पे मत यूज करना, बिकॉज इट माइट लाइक कॉज अ स्टिंगिंग इफेक्ट एज वेल. My next and last scrub, homemade scrub for dry skin is almond scrub. Oh, how beautifully this scrub works! And this scrub is like a luxurious, gives you a luxurious kind of feeling. आपको क्या करना है ना, जो भी आपके पास almonds हैं, उसको 3-4 almonds को आप उसको अच्छे से grind कर लो. It should like become little bit of grindy kind of particles वगैरह थोड़े से हो जाएंगे. Then add like whatever oil suits you. I will highly suggest for this आप like almond oil ही use करो, because it's little bit thick in consistency. तो वो थोड़ा सा अच्छा पेस्ट बनाएगा. एंड ऐड एनी एसेंशियल ऑयल दैट यू वॉन्ट टू लाइक टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ मोर लग्जूरियस काइंड ऑफ फीलिंग टू योर सेल्फ. एंड लाइक टर्न द लाइट्स ऑफ एंड लाइक सिट एंड लाइक रिलैक्सिंगली अपने फेस को थोड़ा स्क्रब करो. लीव इट लिटिल बिट ऑन योर स्किन, ऑन योर फेस, बिकॉज वो बहुत ही अच्छा आपको थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देगा. एंड वॉश इट ऑफ विद कोल्ड वाटर एंड यू गाइज विल सी द डिफरेंस. दिस इस स्क्रब के साथ ना आपको एक बार में ही डिफरेंस दिख जाएगा. सो येस गाइज, दीज आर सम स्क्रब्स दैट आई हैव बिन यूजिंग फॉर सम टाइम, एंड मैं मतलब बहुत टाइम से यूज करती आ रही हूँ. आई यूज लाइक कमर्शियल और मार्केट के स्क्रब्स भी, बट आई यूज होम मेड स्क्रब्स एज वेल. एंड मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो आई थॉट लाइक आई विल शेयर दीज स्क्रब्स विद यू. इफ यू वॉन्ट टू डू अ DIY स्क्रब काइंड ऑफ, देन दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू. Hit the like button, subscribe to my channel, share this video with your friends if you think this video was helpful for you. Thank you so much guys for watching. I will see you in my next video. Bye.